हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। चल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो, निर्मल ही निर्मल। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज का वचन है काम इज द बेस्ट बाम। लेकिन उससे पहले हम सब अपने ग्रंथ को प्रणाम कर लें, अपनी अपनी डायरीज निकालें। फाइव नंबर, डिटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। गुरु का वचन, डिटैचमेंट टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कोविड से बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता इस बात का। स्वतः ही अपने आप ही जब पिंजरे में बंद किया हम सबको, तो पता लग गया कितना मटेरियल इकट्ठा करा पर कुछ काम नहीं आया। जब घरों में बंद रहे कहाँ जरूरत पड़ी, इतना सारा मटेरियल इकट्ठा किया था। तो बता दिया कि मटेरियल से ज्यादा कीमती वो इंसान है जिनके लिए सुख को पाने के लिए भागते फिरते थे, और सुख केवल एक्सेप्टेंस में, प्रेम देने में, निष्काम भाव में ही है। शेयरिंग, आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कॉलेज फैकल्टी। आई डिड होपोनोपोनो एंड पिंक एनर्जी। विद गुरुज ग्रेस आई गॉट वेज टू हैंडल एंड टैकल द सिचुएशन। ये दो ऐसी दवाई हैं जिसे बोलते हैं ना, कोई कोई शादी का मुहूर्त होता है, आज किसी की भी शादी हो सकती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल किसी को भी दी जा सकती हैं, ऑल एज ग्रुप्स। ऐसे ही है ये होप नुपोनो एंड पिंक एनर्जी। इन एनी सिचुएशन, इन एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हम इसको यूज कर सकते हैं। बस हमारी भावना कितनी ज्यादा उसमें जुड़ी हुई है, बस रिजल्ट उसी से आना है। और होप नुपोनो हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेशंस जो बहुत सारी लाइव्स में भी हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो इश्यूज हमारे रिजॉल्व कराते हैं। किसी को प्रेगनेंसी ना हो रही हो, किसी का कोई रुका हुआ पैसा ना आ रहा हो, किसी का कोई ऐसा रिलेशन जो ठीक ही नहीं हो रहा, तो पिंक एनर्जी एंड होप नुपुनो का कॉम्बिनेशन, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। और इसके तो स्माइल में बहुत सारी शेयरिंग्स आती हैं। एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी विच इज नॉट नेचुरल, इट हैज अ कॉज। हम कॉज को नहीं फाइंड करते, उसको ठीक करने नहीं, उसको मेंटेन करने लग जाते हैं। जैसे ही हम कॉज फाइंड कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो अपने आप चली जाएगी, बिकॉज देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम, इट इज ऑलवेज अ सिचुएशन, सम केमिकल बिहेवियर जो राइटली वर्क नहीं कर रहे हैं बॉडी में। तो जो ओम चैंटिंग से ठीक हुआ वो इसलिए क्योंकि ओम में तीनों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द ट्रांसफॉर्मर, तीनों की शक्ति है। तो जो हमारे अंदर सारे केमिकल प्रोपोजिशंस को ठीक करती है, और इसी वजह से वो तकलीफ ठीक हो गई। तो डिले मत करिए ओम चैंटिंग में। कोई भी ये ना बोले मुझे टाइम नहीं मिला करने का, टाइम तो निकालना पड़ता है। अगर गुस्से का टाइम मिलता है ना, गुस्सा करने का सबको टाइम मिल जाता है, सबको टाइम मिल जाता है। आज का टॉपिक जो हमारी एंजल बोलेंगी वो तो है काम इज द बेस्ट पा। नेचर, आर यू देयर? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन, सबका मंगल, सबका। गुरु का बहुत बहुत शुक्राना।
उन्होंने मुझे इतना ब्यूटीफुल वचन दिया है और बिल्कुल मुझे इस वचन की जरूरत थी। सो शुक्राना टू गुरु, इतना ब्यूटीफुली सिलेक्ट किया मुझे इस वचन के लिए, बहुत बहुत आभार। और जब हमें ये वचन अलॉट हुआ तो मैं सोच रही थी क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी, तो फिर एकदम से लगा कि इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर। जब अप्लाई नहीं किया तो बोलोगे क्या, तो फिर सोचा इसको अब अप्लाई करते हैं। तो जब से ये वचन मिला है मैंने हर पल थोड़ी जागरूकता रखी है इस वचन के लिए। तो और आज मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकती हूँ कि मेरा अनुभव कैसा रहा इस वचन को जब से मैंने अपनी लाइफ में धारण किया। आज का वचन है, काम इज द बेस्ट बाम। मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया जैसे इस वचन को पूरे मन से हर वक्त थॉट में रख के इसको मैंने अडॉप्ट किया। काम का क्या मतलब है? शांत, क्वाइट, कंपोज्ड, खुद को कलेक्ट करके रखना। ये नहीं कि कोई सिचुएशन आई और हम एकदम से ब्लास्ट करके जो हम कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं काम। एकदम शांत शांत स्वभाव में पहले सोचो, विचारो, उसके बाद रिएक्शन दो। सो काम इज द बेस्ट बाम। अब दो तरह के काम है, एक इंग्लिश वाला, एक हिंदी वाला। हिंदी वाला तो हम सबको पता है, हम बहुत बोलते हैं मैंने ये काम कर दिया, क आ म, मैंने वो काम कर दिया, क आ म, मैं इतना करती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं उतना काम करती हूँ। लेकिन मैंने जब इसको अप्लाई किया तो मैं भी ऐसी थी कि ये मैंने ये काम कर दिया, आज मैंने देखो ये काम कर दिया, लेकिन मैं थक जाती थी फजूल में। फिर जब कामनेस, इंग्लिश वाले काम को हिंदी वाले काम के साथ जोड़ा, तो समझ आया कि काम जितने पहले करती थी उससे बढ़ गए ना, कोई एनर्जी ड्रेन हुई, उल्टा मेंटल पीस और सब शांत शांत और शांत। तो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले ये कर दिया वो कर दिया, दिमाग में चलता रहता था, अगर शाम को मार्केट भी जाना है तो पहले मैं ये कर लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, वैसे कर लूं, मतलब जाना शाम को है और पूरे दिन वो खिचड़ी ना दिमाग में घूमती रहती थी, घूमती रहती थी कि कैसे प्लान करना है। तो गुरु ने बोला जब शाम को जाना है तो काम रिलैक्स कर, देख लेना, जाना है जब समय आएगा तो देख लेंगे, प्लान कर, लेकिन भेजे को इतना क्यों घुमा रही है। और मैंने रियलाइज किया कि नॉर्मल से ज्यादा काम हो गया, आउटपुट भी बढ़ गया और मेंटल पीस वो एक अनदर लेवल का। तो बहुत ब्यूटीफुल अनुभव था ये। काम कैसे आता है, कामनेस की सिचुएशन में हम कैसे पहुंच सकते हैं? सिर्फ एक ही, जब हम हर चीज को, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करें, पुनः रूप से एक्सेप्ट करें। एक छोटी सी डेफिनेशन जो मेरी है कर्मों की, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कर्म क्या है, कर्म मेरे लिए सिर्फ एक लर्निंग है। हर एक कर्म हम सबके जीवन में उदय होता है हमें कुछ सिखाने के लिए, और जितनी जल्दी हम वो टीचिंग सीख लें हम उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। मेरे लिए तो बहुत एक ही सिंपल है, अगर कोई भी चीज आई, कोई भी चैलेंज लाइफ में आया, कोई भी कर्म उदय में आया, तो बहुत सिंपल फंडा है कि जितनी जल्दी मैं उस कर्म से जो वो मुझे सिखाने आया है, जितनी जल्दी मैं सीख जाऊंगी उतनी जल्दी मैं उससे मुक्त हो जाऊंगी। हर कर्म हमें कुछ सिखाने आया है। कुछ टीचिंग्स को सीखने में हम ज्यादा समय लगा देते हैं, अब ये हम पर है, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी एक्सेप्टेंस में रहोगे और लेट गो कर लोगे, फ्री हो जाओगे। जब सेशंस डेली मंडे को घरों में होते थे तो भाभी ने, गुरु माँ ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, बहुत ब्यूटीफुल, मतलब वो एकदम से ना क्लिक कर गया और अभी तक ध्यान है। गुरु माँ ने एक बार बताया कि उनके घर में कभी कोई कोई महात्मा जी या किसी ने आना होता है, जब वो आते थे तो घर में इतना शोर शराबा हो जाता था, तैयारी करो, बेडिंग, ये वो ये, कितना सारा शुरू हो जाता है ना। और सोचो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोगों के घर में दो मेहमानों ने आना है, जबकि गुरु की कृपा से सब सब इतने संपन्न है कि पूरा सेटिंग हो जाती है, फिर भी इतना सारा दिमाग में, अच्छा उन्होंने आना है, क्या बनाए, ये वो, और ऊपर से सर्वेंट चला जाए, हमारे सर्वेंट इज अ रॉन्ग वर्ड, हमारे हमारे ये जो सेवाधारी चले जाएं, फिर तो भैया हो गया काम, फिर तो जी आधा स्ट्रेस इसी का कि सर्वेंट हेल्पर नहीं है हमारे पास, कितना पैनिक। तो गुरु माँ ने एक बार बताया कि उनके घर में जब किसी ने आना होता था ऐसे, तो इतना ज्यादा टर्मोइल हो जाता था घर में कि उनका आना ही कैंसिल हो जाता था, क्योंकि वो महात्मा है, वो तो प्राणमय कोष,
से कनेक्ट होके ऊर्जा पकड़ लेते थे। तो एक बार मतलब एक उनके घर का दृष्टांत है ये, तो उनका कैंसल हो जाता था, तो हर बार सारी तैयारी करी और उसके बाद अलग हो कि हो हमने तो कितना सब सेट करके रखा और वो आए नहीं। और हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, हम भी कितना सेट सेट करके रखते हैं लेकिन और फिर एक बार क्या हुआ उनके घर में, उन्होंने फिर कुछ महीनों बाद वो फिर आए तो वो सब बड़े कंपोज्ड, बहुत काम कि ठीक है वो आए, सेटिंग जो करनी है जो व्यवस्था करनी है वो पुनः रूप से होगी, मगर कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं था, कोई भी तांडव नहीं चल रहा था दिमाग में। और वो तो भाभी ने बताया कि वो आए और बहुत आराम से ब्यूटीफुली उनका आया, नहीं तो हर बार कैंसिल हो जाता था क्योंकि हम स्ट्रेस में इतनी नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट कर लेते थे कि हम वो एनर्जी उस सोल को भी भेज देते थे और वाइब्रेशंस पे तो हम सब दुनिया चली रही है। सो ये बहुत, ये हमेशा दिमाग में अटक गया कि जितना भी स्ट्रेस लेके कोई काम करूंगी ना तो हमेशा अनसेटल्ड ही रहूंगी कि अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, और हाथ में ठेंगा कुछ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए सब थोड़ा सा आराम से काम काम काम। और जब मैं शेयर करती हूँ कि जब मैं इसको अपने अभ्यास में ला रही थी, अनुभव में ला रही थी इस वचन को, तो एक ही वचन पकड़ा था कि इसको अब प्रयत्न करना है, प्रैक्टिस करना है और फिर अपनी शेयरिंग देनी है। कल क्या हुआ, कल मुझे एक छोटा सा काम दिया था कि मुझे बस सेशन ऑन करना था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और 5:30 मैंने देखा मैंने कोई मैसेज किया है किसी को व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैं अपने बेटे को सुला रही थी, और मैं इसलिए सुला रही थी कि इसको सुला के मैं थोड़ी देर साधना कर लूँ बिकॉज वो मॉर्निंग का उठा हुआ था, और उसको सुलाने तो क्या सुलाना, मैं खुद सो गई और मस्त एकदम घोड़े बेच के। एक बार बीच में आई थिंक कोई फोन मैसेज आया तो वो हिलने लग गया, मैंने फोन को साइलेंट वाइलेंट किया और फोन भी मेरे पास मेरे पेट पे पड़ा और मैं सो गई। तो अब सेशन ऑन करना था, वो मेरी ड्यूटी थी कि मुझे बस ऑन ही करना था, और गुरु कृपा से बस इतना सा काम गुरु देता है। और एकदम से नींद खुली, 6 o'clock का सेशन और 6:40 आंख खुली तो पहले तो घड़ी देखी तो ऐसा लगा अरे ये क्या हुआ। तो पहला सबसे पहला भाव हुआ ओहो मेरी साधना आज छूट गई कि अब रात को करूंगी, चलो याद ही मतलब याद तो था, फिर याद आया 6:40 हो गई, मुझे तो सेशन ऑन करना था। तो व्हाट्सएप पे देखा तो मैसेजेस, एक कॉल आया हुआ था बस और कुछ नहीं। तो बड़ा 1 मिनट के लिए हिली, 1 मिनट के लिए लगा कि मुझे इतनी सी ड्यूटी दी और मैं वो भी पूरी नहीं कर पाई, लेकिन बस लर्निंग ली। और एक हार्डली 2 मिनट, अगर मैं बहुत एक्सीड करके बोलूं तो 3, उससे ज्यादा नहीं, आई वॉज वेरी फाइन कि परिस्थिति, अब मैं टाइम को पीछे तो रिवाइंड कर नहीं सकती, अब मैं क्षमा मांगती हूँ जिन भी सोल्स के को मेरे वजह से कोई परेशानी हुई, मैं उन सबसे दिल से क्षमा मांगती हूँ और ये मेरी लर्निंग है बिल्कुल शांत कि अब मैं टाइम को रिवाइंड तो कर नहीं सकती, तो जिस पल में हूँ उसमें सोचूं कि मुझे क्या करना है। अगर मैं यही सोचती रहती अरे शिट मैंने तो ऑन करना था, अब मैं कैसे फोन करूंगी भाभी को क्या बोलूंगी ये वो, उसमें मैं प्रेजेंट मोमेंट को और वेस्ट कर देती। तो इसलिए इतना ब्यूटीफुल बस आज वचन था, और कल गुरु ने मेरा टेस्ट भी ले लिया कि भाई चल आ जा सबको बताना है तूने कितनी तैयारी करी है, अरे तू बता। सो बहुत ब्यूटीफुल मुझे फील हुआ। कामनेस हमारे ब्रेन को शांत करती है, लेकिन ये कामनेस हमें अपनी लाइफ में भी लानी बहुत जरूरी है, फिजिकल लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे एक ग्लास में पानी डालना तो हम कितना ऐसे शोर मचा के डालते हैं, और इस पे मैं अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, अभी मैं आई वेंट रीच बट आई एम श्योर कि इस पे भी पहुंचूंगी। मान लो जैसे एक छोटा सा है, अगर मुझे इस बाउल में ये डंडा ही रखना है, एक ये एग्जाम्पल, और एक है कि मैं इस स्टिक को बड़े प्यार से रखूंगी और इसको कहते हैं शांत। 1 घंटा मेडिटेशन करना और उसके बाद पूरे दिन वो एक दिमाग में चलना मैंने साधना करी, इसका कोई मतलब नहीं। साधना हर समय 23 आवर्स, तो 1 घंटा तो आपने बैठ के करी, बाकी 23 आवर्स हमारी हमेशा जागरूकता होनी चाहिए, हम हमेशा हमेशा एक शांत काम स्थिति में होने चाहिए। उसको कहेंगे पूर्ण मेडिटेशन, उसको कहेंगे पुनः मेडिटेशन। और हमारे खाने का, इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे हमारे बिहेवियर पे। तो इसलिए सब अपनी कामनेस को अगर हम यहाँ ला रहे हैं तो वो हमारी फिजिकल एक्शंस में भी वो कामनेस दिखनी चाहिए। हर चीज को ऐसे बर्तन भी रखने अट्ठा
जैसे मतलब मैं भी ऐसे करती हूँ वैसे, लेकिन बार बार नॉकिंग आती है कि कितना धुंध मचाया हुआ है, आराम से आराम से। तो इन चीजों में भी हमें जागरूकता रखनी है कि अगर हम ग्लास में पानी भी डाल रहे हैं बॉटल से, तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से, घबराहट के 1 सेकंड में किसी का समय नहीं जाएगा, पर देखिए कि कितने प्यार से, और बिल्कुल शोर ना करें कि हमारे वजह से किसी को कोई दिक्कत ना आए। मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि ये खुद भी ऐसी करती है, लेकिन कान पकड़ती और आज से पूरा प्रैक्टिस करूंगी। दो भजन, दो पंक्तियां बस गुरु के नाम, नहीं तो मेरे को तो भाभी को याद दिलाना पड़ेगा, मैं तो बहुत भूलती हूँ। गुरु को साक्षी मान के दो पंक्तियां। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस दिल में अभिमान छुपा भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले, आ जाएंगे भगवान कोई बुला के देख ले। ओम नाम अति मीठा है, बस अपने मन के इस अभिमान, जब ये अहंकार खत्म होगा तो वो ज्योत खुद ब खुद प्रकाशित हो जाएगी। सो बस एक्सेप्टेंस, लेट गो। कर्म हम सबने सीखा कि कर्म तो बस वो है कि हमें कुछ सिखाने आया, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी फ्री छुट्टी। तो इसलिए हर पल सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, और जल्दी जल्दी अपने कर्मों से मुक्त होकर उस ज्योत को ही तो जलाना है, उस ज्योत को प्रकाशित करना है। जिस दिन वो ज्योत, ये अहंकार जब तक रहेगा तब तक वो ज्योत नहीं चलेगी। एक्सेप्ट करो, अगर किसी ने मेरा पहले कुछ किया तो ठीक है ना, पास्ट को मैं चेंज नहीं कर सकती, तो मैं जो प्रेजेंट का प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है मेरा प्रेजेंट, उसको मैं कैसे चेंज कर सकती, उसको मैं क्यों स्पॉइल करूं। ना मैं पास्ट को चेंज कर सकती हूँ, ना मैं फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ, तो फिर जो प्रेजेंट मोमेंट है अगर मैं उसको ही वेस्ट कर लूंगी तो फ्लैट। और फिर सोचूंगी 60-70 की होकर, एक सर्वे हुआ था कि मैक्सिमम लोगों को रिग्रेट है कि काश हम अपनी फैमिली के साथ समय बिता सकते। मैक्सिमम लोगों को रिग्रेट है जो डेथ बेड पे होते हैं व्हेन दे आर इन अ वेरी ग्रोन एज, कि हमने पूरी जिंदगी बस प्लान 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 करने में निकाल दी और अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिताया। बहुत उनको रिग्रेट होता है कि हमने ध्यान साधना या खुद के मतलब जो खुद आनंद की स्थिति कभी पाई नहीं, बहुत रिग्रेट्स। तो मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ के गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु, हम आखिरी श्वास में कोई रिग्रेट लेकर ना जाए, इस जन्म को पुनः रूप से जितना बेस्ट हम कर सकते हैं हम इसे यहाँ करके जाएं, हर पल जागृत शांत और स्वीकारी रूप में रहे। जो आएगा उसे मन से तन से धन से स्वीकार करेंगे। ओपनोपोनो हर पल हर श्वास में चलना चाहिए। शांत रहना एक साधना है, शांत रहना एक साधना है, शांत रहना एक कला है। शांति से बड़ा तप कुछ नहीं, शांति से बड़ा तप नहीं, कोई धन नहीं और कोई तीर्थ नहीं। तो आप सबको एक छोटा सा होमवर्क जो मैं करती हूँ अप्लाई, मैं बस बता सकती हूँ, बाकी गुरु माँ हमें गाइड करेंगे, कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब मुझे लगता है कि मैं एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, तो मैं सिर्फ 5 गहरी सांसें लेती हूँ। रिएक्ट तो मुझे करना ही करना है उसको, वो तो अभी धीरे धीरे उस पर भी हटूंगी, लेकिन अब काफी फर्क पड़ गया। पहले तो होता था कि सब कुछ जानना है जीवन में, किसके घर में क्या हो रहा है सब पता होना चाहिए, अब तो जय माता दी हो गया। तो 5 गहरी सांसें, रिएक्ट करो, मना नहीं करते, गृहस्थ में है कई बार बोलना पड़ता है, बट हर सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई, ऐसे हाथ पैर पड़ जाते हैं, उससे पहले बस 5 गहरी सांसें, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद रिएक्ट करिए। आपका जो गुस्सा, आपका जो उस वक्त का टर्मोइल था, बिल्कुल तब तक एटलीस्ट 100 का
20% ही रह गया होगा। तो आप सब इस हफ्ते इसको प्रैक्टिस करिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, और शुक्राना शुक्राना गुरु माँ, बहुत बहुत शुक्राना इस वचन के लिए, शुक्राना। मैंने इसको बहुत ब्यूटीफुली से लाइफ में अप्लाई किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्राना शुक्राना। मन का गुलाम नहीं अब मन का राजा बना हूँ, ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। मन का गुलाम नहीं अब मन का राजा बना हूँ, स्वयं की खोज का अब मार्ग मुझको मिला है, स्वयं की खोज का अब मार्ग मुझको मिला है। कितना सुंदर बाम लगा दिया सबको निर्जरा ने, ये ऐसा बाम जो हर सिचुएशन में, क्योंकि मन के गुलाम होने की वजह से काम नहीं रह पाते थे, इतना मन ने गुलाम बना के रखा अपना। और कितने सिंपल शब्दों में बार बार अपना एग्जाम्पल देना, ये वही कर सकता है जो ज्ञान को पढ़ता नहीं, ज्ञान को सुनता नहीं, ज्ञान को अनुभव मिलाता है, जीता है ज्ञान को, उसको घूट घूट करके पीता है। कितने छोटे से रूप में बोल दिया, बस एक छोटा सा काम दिया था मुझे, सिर्फ स्विच ऑन करना था सेशन, जबकि दिन और रात स्माइल्स का काम ही काम, जो कि सब एंजल्स कर रही हैं, कोई ज्यादा नहीं कोई कम नहीं, बट सब अपने अपने भावना से कर रही। और कम हम ये बाम नहीं लगा पाते जब हमारा ही एक गुण जिसको हमने अवगुण में परिवर्तित कर लिया, कौन सा गुण? क्रोध। क्रोध भी एक गुण है, जब हम इसको अच्छे से समझने लग जाएंगे ना, एक बच्चे को कार चलाने को दे दो, वो आपको कहीं पर भी लेके जा सकता है बहुत अच्छे से, यदि उसे कार चलानी आती है तो। लेकिन उस जने को कार दे दी जिसको ब्रेक ही नहीं लगाने आती, तो वही कार उसका खुद का भी और जो रस्ते में आएगा सबका नुकसान कर देगी। बस इतना ही फर्क है, क्रोध क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, जब तक हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। ईश्वर कहता है, हे मानव जाति, मेरा बस एक संदेश मान ले तो ये क्रोध, ये द्वेष, ये राग, ये सब चला जाएगा। तू इस पृथ्वी पर ना मेहमान है, मालिक नहीं है। तो किस किस बात का मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, तू स्वयं ही मेहमान है। और जो एग्जाम्पल निर्जरा ने शेयर किया, वाकई में ही ऐसे होता था, एक जने ने आना होता था और 15 जने घर में दौड़ रहे होते थे, और हर जना ये दिखा रहा होता था मैं थक गया काम करके, क्योंकि मैंने किया, मैं की बकरी इतना बोलती थी पूरे दिन, काम इतना था ही नहीं। और जैसे गुरु ने उजाला किया अंदर ज्ञान का, कि तू शुक्राना कर कि तेरे द्वारा कुछ हो रहा है, फिर एक क्या 10 संत भी आए, 100 संत भी आए, तो घर में कोई हिल ही नहीं रहा और हैरान होते थे, अरे कैसे सब कुछ, कैसे सेटिंग हुई, कैसे सारा काम हुआ, पता ही नहीं लगा किसने, एक दूसरे से फिर ये पूछ रहे होते थे कि किसने किया। और जब ज्ञान नहीं जागृत था तो बस यही मौका ढूंढते थे बताने का कि मैंने ये कर दिया है, और बड़े पॉलिश्ड वे में स्टाइल से बताते थे, क्योंकि बहुत संस्कारी घर में है और सभी बहुत अच्छी पुण्य आत्माएं हैं, बहुत भगवान की कृपा है। लेकिन अब पता लगता है कितना अवगुण था हमारे अंदर, तब तो अवगुण दिखता नहीं था अपना। तो ये गुरु की कृपा से ही काम इज द बेस्ट फॉर्म। अब इसको चाहे हम हिंदी वाला समझ ले काम, और अब चाहे हिंदी इंग्लिश वाला समझ ले, अब दोनों एक ही बात है, क्योंकि ज्ञान उजागर हो गया ना। अब वो हिंदी वाला काम भी काम नहीं लगता, तो काम स्टेट में रहते हैं इंग्लिश वाले में, तो दोनों का एक ही रूप हो गया। और समझे कि ये कब जाती है काम, ये जो CALM काम है ना हमारे जीवन का, ये कितना कीमती है, कितना जरूरी है, और ये कब चला जाता है। अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक होते हैं जो समझते हैं बस जैसा मैंने सोचा ना वैसा होना चाहिए,
क्योंकि आई एम परफेक्ट और सब कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, हर चीज को नियंत्रित, नियंत्रण नियंत्रण नियंत्रण, सांसों का नियंत्रण छूट जाता है ऐसे में। अनुभव बता देता है डिसिप्लिन होना इज अ वेरी गुड कर्मा, सबको नियंत्रण में रखना नहीं। आप कभी भी अपने औहदे के हिसाब से किसी को डरा के, किसी के मन में भय पैदा करके अगर उसे कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं है। कोई आपको इतना प्रेम करे, आपका इतना सम्मान करे, आपका इतना आदर करे कि आपके मुख से कुछ निकले और वो बोले कि मुझे तो ये बात माननी है, वो है नियंत्रण। और वो नियंत्रण तभी आता है यदि हमारा अपना जीवन नियंत्रित है, यदि मेरी वाणी नियंत्रित है, यदि मेरा अपने शब्दों पे, ये जीवा है ना, इस पर कोई भी तकलीफ हो जाए ना, कोई छाला कोई चोट लग जाए, ये बड़ी जल्दी अपने आप को हील कर लेती है क्योंकि इसमें इतने ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत जल्दी हील होती है जीवा। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर जीवा पे चोट लगती है, दे हील इट वेरी फास्ट क्योंकि कोई ज्यादा दवाई तो लगा नहीं सकते इस पे, बट इट इज अ बोनलेस ऑर्गन और ये बड़ी जल्दी हील कर लेती है अपने आप। पर इस जीवा के द्वारा लगाई हुई चोट ना पूरी जिंदगी नहीं जाती। चेक करें, ये जीवा तो अपने आप को हील कर लेती है पर इसके द्वारा लगाई हुई चोट तो AK-47 से भी ज्यादा तीखा घाव देती है। इसलिए चेकिंग चेकिंग श्वासों पर, और ये नॉर्मल नेचुरल बात है जो कि हमने कितनी बार सेशंस में जिसको भी अनम्यूट करते हैं सबसे पहली लाइन जो अक्सर सुनने में आती है, अब मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, बड़ा मजा आता है सुन के। और इतना आराम मिल रहा होता है उसी खुद के, खुद को, स्वयं को, सबसे अपना क्रोध कम होता है, सबसे पहले स्वयं को आराम मिलता है, बाद में बाहर वाले को मिलेगा। तो ये एक शेयरिंग तो आई थिंक इज कॉमन विद ऑल कि अपना मेरा क्रोध कम हो गया, अब मुझे ना चिड़चिड़ापन नहीं आता, अब मुझे ना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अब पता लग गया, बार बार गुरु ने बता दिया अरे क्या कंट्रोल करने चले हो, देख सब जो तेरे जीवन में आए हैं सब तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे कर्मों की गठरी के हिसाब से आए, इसलिए दूसरे को दोष मत दो। ऐसा कूट कूट के गुरु ने रटा दिया, स्क्रिप्ट वर्ड मतलब तेरे कर्म, तेरे कर्म की खेती, स्क्रिप्ट या उसको ओब्लीक करके लिख लो, तेरे कर्मों के द्वारा बनाई हुई तेरी खेती, इट्स वन एंड द सेम थिंग। जैसे ही वो याद आती है क्या करें अब कर दिया था, लेकिन आगे के लिए सुजागी, अब नहीं करना, और पहले वाले को भी रब करना तो डबल काम दे दिया। और जैसे बच्चों को लॉलीपॉप देखते हैं ना, एक की तू काम अच्छा करेगा तो दो लॉलीपॉप और मिलेगी, वैसे गुरु ने पकड़ा दी, देख अभी तू शांत रहेगी ना, तेरा पहले वाला भी तू रीराइट कर सकती है, और ये सबने देखा भी है कि हम रीराइट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो हमारे काम को छीन के ले जाती है, CALM काम, वो है कि हर वक्त मजा चाहिए जिंदगी में, मजा इंजॉयमेंट होनी चाहिए, शादी है तो उसमें इंजॉयमेंट होनी चाहिए, कोई घर में काम हो रहा है तो उसमें मजा आना चाहिए, कोई डिनर हो रहा है उसमें मजा आना चाहिए, कपड़े अच्छे पहने तो लोग तारीफ करें तब मजा आएगा, तो कपड़े अच्छे पहन के मजा नहीं आएगा पर कोई तारीफ करेगा तब मजा आएगा, खाना अच्छा बनाकर मजा नहीं आएगा, कोई खाने की तारीफ करेगा तब मजा आएगा। किस किस चीज से जोड़ दिया अपने हुनर को, बढ़िया काम करा फिर भिखारी का कटोरा लेके बैठ गए, फिर बढ़िया काम करा फिर भिखारी का, किसी की मर्जी आएगी वो उसमें कुछ दे देगा तो हम खुश हो जाएंगे, और ये मजा पाना हमारे लिए बन गया सबसे बड़ी सजा। मजा 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 नहीं, सजा सजा सजा। इसलिए द यंगस्टर्स आर गोइंग थ्रू सो मेनी डिजीजेस एट दिस यंग एज बिकॉज एवरी मोमेंट हैज टू बी एंजॉयफुल, देयर वे ऑफ लाइफ इज कि बोर हो रहे हैं क्या करें हम, वॉट नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो सीरियल भी देख लिया, सब कोई, अब व्हाट नेक्स्ट, मजा 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 हमारे CALM काम को जीवन से कब चुरा के ले जाता है पता ही नहीं चलता। एक और चीज, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट, इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा रोग बन चुका है। बच्चों की शादी नहीं हो रही, घरों में बैठे हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स,
हाईली एजुकेटेड, सुपर टैलेंटेड. एनीबडी कैन ड्रीम ऑफ अ चाइल्ड लाइक दैट, बट क्योंकि वो परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा. एंड सेम वे विद इट्स बोथ द जेंडर्स. बढ़िया लड़के हैं, लड़कों को उस तरह की लड़की नहीं मिल रही, लड़कियों को उस तरह के लड़के नहीं मिल रहे, लेकिन भरे पूरे हैं सबके घरों में. किसी से पूछो कोई लड़का बताना जी, हाँ बता देंगे, किसी की हिम्मत नहीं, वो परफेक्ट वाला कहां से ढूंढे. इमेजिन, परफेक्शनिस्ट, कुछ हो ही नहीं सकता, वो मिल ही नहीं सकता. और ऐसे ही जीवन में जब हम परफेक्ट जना, कोई परफेक्ट रिलेशन, कोई परफेक्ट सर्वेंट, कोई परफेक्ट कपड़ा, कोई भी सिचुएशन में कोई चीज परफेक्ट ढूंढते हैं ना, तो वो जो मिल रहा होता है ना बढ़िया सा, उसको देख नहीं पाते. और इसी चक्कर में हमारा CALM काम लॉस्ट हो जाता है. और फिर क्रोध, माइग्रेन, फिर ये सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं. पहले तो सब ढूंढते रहते हैं परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, फिर बच्चा 25 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 29 30, जब वो क्रॉस कर जाते फिर बोलते हैं अच्छा चलो, अच्छा कोई तो बताना, कोई तो बताना. फिर कॉम्प्रोमाइज वाली स्टेट शुरू होती है. एंड फाइनली इवेंचुअली यू आर गेटिंग मैरिड टू अ पर्सन जो आपने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि उस तरह के पर्सनैलिटी से शादी करेंगे. इसलिए बाद में भी वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती, क्योंकि वो आपने इतने सालों से एक सपना तो बनाया ही हुआ था ना, आपने कॉम्प्रोमाइज करके बिकॉज ऑफ मे बी फैमिली प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर आउटसाइड. तो ये समझना है कि कोई चीज परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट आपको बनाना पड़ता है अपने भाव डाल डाल कर. अब वो आपका काम शुरू हो गया, हिंदी वाला काम, कि वो जो चीज मिली है उसको हम कैसे निखारें, कैसे उसके गुण देखें, कैसे अपनी ब्लेसिंग्स को देखें और वो ब्लेसिंग्स 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 को मल्टीप्लाई करते चले जाए. ऐसे ही एक लड़की को शादी करनी थी, एंड शी वॉज सच ए ब्यूटिफुल गर्ल एंड हाईली टैलेंटेड एंड एवरीथिंग लाइक सुपर. तो पता लगा कि किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है कि आपको जैसी भी चॉइस का लड़का चाहिए हमारे पास अवेलेबल है. शी वाज द फर्स्ट वन टू एनरोल एंड इट वाज वेरी 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 कॉस्टली डील. लेकिन उसने बोला कोई बात नहीं, मुझे तो परफेक्ट चाहिए, आई कैन इन्वेस्ट, क्योंकि पैसा बहुत है सबके पास आजकल. बस प्रॉब्लम यह ना, पैसा CALM नहीं खरीद सकता, खरीद ही नहीं सकता. तो बोला कि चलो ठीक है, शी एनरोल्ड, शी वेंट टू दैट पर्सन. उसने एक बड़ी सी बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखाई. बोला जी कि इसमें ना हर एक फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लड़के हैं, सो यू विल गेट द वन यू वांट. और हर एक फ्लोर पे जो लड़के हैं उनमें अलग टाइप के टैलेंट हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे आजकल कॉम्बो फूड्स ऑर्डर करते हैं ना, तो मतलब उस टाइप के भी हैं, सब कुछ है. सो आप एक एक फ्लोर पे जाती रहो एंड यू कैन सिलेक्ट. एंड शी वॉज वेरी हैप्पी, हाईली इम्प्रेस्ड. बोली अरे आप मेरा बस करा दो, एंड यू नो मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स हैं, मैं सबको आपका नंबर दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी बहुत कुछ. सो उसने बोला बस इसमें एक चीज है, दिस इज ओनली वन कंडीशन. आप जिस फ्लोर पे जाओगे आप उस पर चाहे कितनी भी देर लगाओ, दैट इज योर चॉइस, बट आप जब उस फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे चले गए तो आप उस फ्लोर पे वापस नहीं आ सकते. देर इज नो वे बैक, देर इज ओनली वन वे, ऊपर 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 जाके फिर जो आपको जब लास्ट उससे आना होगा तो आपको बस सीधा लिफ्ट नीचे लाएगी. यू कैन नॉट गो टू एनी अदर फ्लोर अगेन, नो रीविजिटिंग. तो कहती है नहीं, आई एम सेंसिबल इनफ टू सिलेक्ट, कोई चक्कर नहीं है. पहले समझ लेती है सारे क्लॉजेस एंड देन शी साइंस द डील एंड शी गोज. पहले फ्लोर पे जाती है, देखती है नॉर्मल सी सिंपल सी ड्रेस में लड़के बैठे हैं, डल से, ढीले ढाले से, अजीब से, कोई चार्म नहीं, कोई एंथुजियाज्म नहीं. सो कहते ओ माय गॉड, दिस फ्लोर इज नॉट मेंट फॉर मी. दूसरे फ्लोर पे चली जाती है, वहां पर देखती है थोड़े से बेटर, वेल ड्रेस्ड एंड एजुकेटेड, स्मार्ट. देखती है थोड़ा सा उनके बायोडेटा वगैरह, खोलती है थोड़ी सी इंटरेक्शन करती है, कितनी अच्छी है के, यस बट यू नो कि फ्रेंड्स को बता दूंगी बट नॉट फॉर मी.
फ्रेंड्स को बता दूं। और ऊपर चली जाती है, वहां पर देखती है बड़ी डैशिंग से, बड़ी किसी के हाथ में मग की चाबी है, किसी के पास कोई बढ़िया सा फोन है, गैजेट्स हैं, सब पता लगता है कि वेरी स्मार्ट। थोड़ा इंटरेस्ट वहां क्रिएट होता है, वहां पर भी बात करती है, थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू सा लेती है, इंटरेक्शन होती है, तो कहती है अच्छे तो हैं बट यू नो लुकिंग एट माई डिग्रीज एंड माई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा इन बेचारों को मेरे साथ। सो कॉम्प्लेक्स नहीं दिलाना चाहिए किसी को, सो लेट मी लुक फॉर मोर। और चली जाती है ऊपर, वहां पर लड़कों की पता नहीं 5 5 6 6 डिग्री, फॉरेन में पढ़े हुए, ये वो सब कुछ। और बड़ा उसको बड़ी खुशी मिलती है वहां जाकर उन लड़कों से बात करके, शी इज हाईली इम्प्रेस्ड। कहती वाओ मैंने कितनी समझदारी करी, जो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे एंड आई एम गोइंग टू गेट अ गुड डील। तो एक लड़का पसंद कर लेती है, और पसंद कर लेती है, और इतने में लड़के को छींक आ जाती है। अब छींक आती है तो उसकी जो छींक की वॉल्यूम होती है ना, वो उसके कान से मैच नहीं करती। अरे इतनी जोर के कोई छींकता है? सिर्फ जोर के भी नहीं छींका होता, लेकिन जितनी वॉल्यूम उसको चाहिए होती है उसे। सोचती है यार वैसे तो लड़का बहुत बढ़िया है, क्या करूं, मतलब अगर इस तरह सर्दी आएगी, जुकाम होगा, इस तरीके से छींकेगा तो मेरे तो बहुत नॉनसेंस, मेरी तो लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी। फिर कहती है देखो मैंने नीचे से देखना शुरू किया था, कितना बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आई शुड गो टू द नेक्स्ट वन, दैट मीन्स माई लाइफ पार्टनर इज जस्ट वेटिंग ऑन द नेक्स्ट फ्लोर। नेक्स्ट फ्लोर पे जाते, एक फ्लोर बचा होता है, बड़ी खुशी से उस फ्लोर पे जाती है। वहां पे अंधेरा होता है, लाइट ऑन करती है, सिर्फ कंकाल पड़े होते हैं, और लिखा होता है इन दिस वर्ल्ड एटलीस्ट देर इज नोबडी हु कैन मैच यू, जस्ट गेट आउट ऑफ द लिफ्ट एंड गेट लॉस्ट। ऐसा ही है हमारी जिंदगी, लड़कों की बात कर लें, लड़कियों की बात कर लें, कोई जीवन में कोई चीज चाहिए तो बात कर लें, क्योंकि जो चीज मिल रही है, जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उस पे ध्यान कम है, जो एक थोड़ी सी भी कमी है उस पे इतना फोकस है, इतना जजमेंटल है, इतना जजमेंटल है। गुरु ने क्या बोला, ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है, ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है। जब तक क्रोध पे विजय प्राप्त नहीं करी, तब तक ये जीवन जिया ही नहीं, जिया ही नहीं। और सबकी अलग अलग टाइप की आदत होती है क्रोध में भी, कुछ लोगों को इतना गुमान होता है अपने क्रोध पे, कमाल है। मुझे नहीं पता, मेरे को तो स्पष्ट बात करने की आदत है, मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती, इसलिए मेरे को तो जो मन में आता है मैंने तो साफ मुंह पे बोल दिया। देखो अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं कोई उसकी तरह थोड़ी हूं या उसकी तरह थोड़ी हूं जो कि गलत बातें ऊपर से मीठी मीठी बोलूं और अंदर से गलत। मेरे तो मन में जो है मैं ठा देनी बोल देती हूं या बोल देता हूं। व्हाट मानस चोला मिला है, इतना अपमान उसका, इतना भी नियंत्रण नहीं, इतना भी नहीं पता कि आपकी जीवा कितने बड़े बड़े घाव कर सकती है, कैसे बोल देते हैं ये बात, इसको स्पष्ट इसे नहीं बोलते इसको, कितने लोग इसे बोलते हैं, मैं तो मन मौजी हूं, बोल दिया होगा, अच्छा है, स्पष्ट ही होता है, कोई बात नहीं, सामने वाले ने बोला मुझे पसंद नहीं आया, पर यदि वो मेरे मतलब की बात है ही नहीं, यदि वो मेरी बात है ही नहीं, तो मेरा स्पष्टीकरण कहाँ को सामने वाला अभी समझने वाला है, वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। और जिस जने को मुझे बार बार स्पष्टीकरण देना पड़े अपनी उसी बात का, तो हमने खुद को ही हल्का कर लिया, फिर तो हमें अपने ऊपर भी डाउट है जो हम बार बार स्पष्टीकरण दे रहे हैं। पता नहीं काम इज द बेस्ट बाम कहाँ चली गई, वो
वचन तो हमारी एंजल ने बहुत बढ़िया समझाया था, ऐसा लग रहा था बस आज के वचन के बाद तो कि मुझे तो अब क्रोध आएगा ही नहीं, क्या करूं क्रोध आ गया। ये भी गलत इंफॉर्मेशन, मुझे क्रोध नहीं आ सकता, क्रोध इज वन ऑफ माई इमोशंस। मुझे जिसको मैं बोल रही हूं मैंने क्रोध कर दिया या मुझे क्रोध आ गया, वो है सत चित आनंद स्वरूप, उसको नहीं आता, उसका वन ऑफ द बॉडीली फीचर है ये। तो थोड़ा सा डिस्टेंस से देखें, अच्छा आज मेरे मन को ये बात अच्छी नहीं लगी, मन की बात है मेरी बात नहीं है, अच्छा अभी इस मन को और थोड़ी सी सुधरने की जरूरत है। अच्छा आज इसके अहंकार को किसी ने बहुत ठोका पीटी करी है इसलिए इसको क्रोध आ रहा है। सो यू हैव टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन नोइंग अमरे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, अजर और अमर जिस को वेदों ने गाया, यही पाठ अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जो नया एडवांस कोर्स शुरू हुआ है गुरु ने प्रेरित किया, उसका नाम भी यही है, शव से शिवा यात्रा, शिवा बनने का मौका लेके आए हैं गुरु। अरे कब तक शव बन बन के बार बार आते रहोगे, कब कब तुम्हें कोई गोद में खिलाता रहेगा, फिर कंधों पे उठाकर लेके जाएगा और फिर पांच तत्वों में मिलाकर तुमसे जान छुटाएगा। शिवा बनो, प्रगट हो, अपनी शक्तियों को जानो। ये जीवन सवर रहा है, कुछ कुछ बदल रहा है, क्रोध पे काबू पाया, काम का बामल गाया, क्रोध पे काबू पाया, क्रोध का नाश कराया, आनंद अब मन में छाया, शांति मृदंग बजाया, आनंद अब मन में छाया, शांति मृदंग बजाया। समझिए गलत नहीं है, हर एक जने को अपने कर्म प्राणी के लिए चिंता होती है, पर बात ये समझनी, क्या हमारे समझाने से आज तक कोई समझा है? नहीं समझा। तो जितने और यंग 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 जने हैं इस सेशन में, समझ लीजिए अच्छे से, उनकी एज को देखकर समझ लीजिए, कितनी सांसें, कितने पल, कितना समय, कितनी अपने हृदय की गति को खराब किया होगा बार बार समझाने में। उन्होंने प्रारब्ध है अपनी स्क्रिप्ट में लिख के लाए हैं, इतनी सिगरेटें तो मुझे फूंक के जानी है इस जन्म में, लेकिन पिंक एनर्जी भेजेंगे, वो अपनो पुनो करेंगे, उनके सोल को ब्लेस करेंगे, तो स्क्रिप्ट रीराइट जरूर हो जाएगी। पर वो जो जिसका कंट्रोल ही बस 5-10% है, उस ब्रेन को कितना भी समझाएंगे, 90% वाले को चेंज करिए ना, तो बदलाव जरूर आएगा, जरूर आएगा। काम इज द बेस्ट बाम, आज ये बाम अच्छे से लगा लेना ताकि जीवन में कोई और बाम नहीं लगानी पड़ेगी, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। सो काम इज द बेस्ट बाम, आ गई तो कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई स्किन डिजीज नहीं होगा, कोई स्थिति आई भी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, 4 दिन से मेरे स्टमक में बार बार कोई पेन उठता है, इट इज वेरी ब्रिंग्स मी लॉट्स ऑफ डिसकम्फर्ट, पर अंदर से ये यार शुक्राना कोई कर्म है कट रहा है, शुक्राना, और जैसे ही मैं शुक्राना बोल के उसको प्रेम करती हूँ तो फिर सेटल डाउन होता है, फिर दोबारा से थोड़ी देर में हो जाता है, मतलब है भाई लंबा कर्म है अभी जाएगा। तो ये चीज है, हमें स्थिति नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज अ गैजेट, इसको हम यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो चलेगा। हमारे ना बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारा क्रोध, एक तो होता है अभी जो मैंने जिन लोगों की बात करी थी कि वो फट देनी मुंह पे कुछ बोल देते हैं, और जीवन में कितनी बातें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी नहीं बोल पाते और उनको भूल भी नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर दबी रह जाती हैं, और दबा देते हैं
कुछ हमारे माँ बाप दबा देते हैं, कभी कोई कुछ और समझा, तो दबती रहती है। हमें लेट गो करना सिखाया नहीं होता किसी ने, कोई बोलता भी तो हमें समझ नहीं आता कि कितना लेट गो करें, हम ही दबते रहें क्या। वो जो दबा हुआ था ना, अब वो जल रहा है, उसको परमात्मा कह रहा है अगर ये दबा हुआ अंदर रह गया तो इसके लिए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो गुरु उसको सफाई कर रहा है ना। तो जब कहीं आग लगती है, जब कूड़े को जलाते हैं ना, तो आप देखोगे हवा में ना छोटे छोटे कागज उड़ने शुरू हो जाते हैं, छोटे 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 गंदे, है ना, ये वो चीज है। वो अंदर वो जो सारा है कि सारा वो जो हमने कितना बड़ा अंदर दबाया हुआ था ना, वो उसका निकल हाँ थोड़े दिन की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जीवन बदल रहा है, कुछ कुछ सवर रहा है, ये जीवन सवर रहा है। इतनी प्यारी बाम लगाई है आज निर्जला ने सबकी ना, कितना अंदर आराम मिला है। और ऐसा नहीं है कि 100% निर्जला को भी बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, या मुझे नहीं आता, या आप में से किसी को नहीं आता, आता है। बट पल चेक करिए कि गुरुवर मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो जी। थोड़ा सा अपने आप को झुकाना है। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, थोड़ा सा अपने गुस्से को डिले कर दीजिए, अभी नहीं। पर जैसे निर्जला ने बताया ना, बहुत सुंदर तरीका बताया, लेकिन किसी के आगे ऐसे मत करने बैठ जाना, 1 2 3 मन में करना है। ये उनने सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, पता लगे आप बोलते रहो, अभी मैं बोलूंगी 1 2 3 4 5 एंड फिर ढिशुम, ऐसे नहीं कर देना। डिले डिले डिले, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस। और जब दूसरा कुछ बोल रहा है, उसको कभी मत बोलो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मत बोलो क्या बकवास कर रहे हो, क्यों बोले जा रहे हो, ये नहीं। लेट लेट देम जस्ट स्पीक वॉट एवर दे वॉन्ट टू स्पीक। बस अपने अंदर अपने कानों में गुरु को बिठा लो, गुरु ये मेरे लिए बात नहीं है, इनको बोलने दीजिए अभी। चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो कोई हमारा रिलेटिव है, चाहे वो बच्चे, एनीबॉडी, वी डोंट हैव टू नेम, चाहे वो हमारी वाइफ है, चाहे वो कोई भी है, सिर्फ बोलने दे बोलने दे बोलने दे, पर वो गुबार निकलने दे। और अपने मन को देखो, तुम्हारा कर्म कट रहा है, शुक्राना ये बोल रहा है, तुम्हारी स्क्रिप्ट क्लियर हो रही है। थोड़ी सी हर चीज की प्रैक्टिस से ही आता है। जैसे कभी भी आप लोग बताइए मुझे, कभी किसी ने कोफ्ते बनाए होंगे, कोफ्ते तले होंगे कढ़ाई में, तो कढ़ाई के अंदर खड़े होके तलते हैं, कढ़ाई के बाहर खड़े होके तलते हैं, कैसे बनाते हैं? अंदर रहेंगे तो खुद भी तले जाएंगे, तो हम तो खुद ही कूद पड़ते हैं कढ़ाई में कि चलो जी आओ मिलके हलवा और कोफ्ते बनाते हैं। फिर थोड़ा डिस्टेंस पे खड़े होइए, फिर आराम से चलाइए कोफ्ते को, तलिए उसको आराम से। पहले तो डिस्टेंस, और बोलने दीजिए जो जना जो बोल रहा है। डोंट ट्राई टू बी अ मिरर, अक्सर सामने वाला बोलता है, हम उसी के लहजे में जवाब देते हैं, कभी ना हल होगा, कभी ना हल होगा। डोंट बी अ मिरर, अपने शांत चित स्वरूप को अंदर शुक्राना सब्र, शुक्राना सब्र, सांसों को गहरी करते जाएं। क्योंकि कितने साल तो हम बर्बाद कर ही चुके हैं ना इन सब चीज में, ये चीज ये खेल हम कर चुके हैं बहुत, कोई रिजल्ट नहीं आया ना। जो दूसरा है वो भी और खराब होता जा रहा है, हम भी क्या और खराब होते जा रहे हैं, हमें भी 100 बातें और बोलनी आ गई जो शायद हम पहले नहीं बोलते थे। हल क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। तू मुझे पत्थर मार, मैं तुझे पत्थर मारू, से कुछ नहीं होना। पहले उलझते थे हर बात पे, और अब खामोशी से हार मान लेते हैं। और सामने वाला सोचता है हम हार गए, पर उस हार में जो हमारी जीत है वो गुरु ही जानता है, वो हम ही जान सकते हैं उसका आनंद, कि कोई बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, और यहां पर तो ज्ञान का ऐसा अमृत बह रहा है, आनंद आनंद आनंद, माधो माधो माधो, सब तेरे हवाले। हंसी प्यार की गंगा बहती है, और सामने वाले को और आक्रोश और गुस्सा आता है कि पत्थर से बोल रहा हूं क्या, पता नहीं, हमें तो परमात्मा ने मूर्ति बना दिया, अपनी पता।
कौन किससे बोल रहा है, बस परम ने सिखा दिया, बस ब्लेस ब्लेस और ब्लेस। वो गुरु ही कर सकता था, हम थोड़ी कर सकते थे। सो दैट डिस्टेंस, दैट डिले, अभी नहीं क्रोध करूंगी, अभी जो बोलना है जिसको जो बोलना है बोलने दो, और सूजो माई बन के नहीं बैठना है उसमें, शांत नॉर्मल, एकदम नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग। फिर उसमें से फिरोलिए, इसमें से कोई मेरी गलती तो नहीं है, ताकि कोई अनुभव मुझे और निखारने आया, और सुंदर हीरा बनाया, कहीं मैं उसको खो ना दूं, चेक करिए। फिर थोड़ा सा मौका मिले तो बताइए, डोरमैट किसी ने नहीं बनना है, पर अक्सर हम अपने अभिमान और गलत ईगो में लड़ाई करते हैं। एनी रिलेशन इफ इट डाइज, इट डजंट डाई नेचुरल डेथ, ईगो एंड फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो। जिस दिन हमें अपने अहंकार को, हमें अपनी भावनाओं को, उन सब को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नियंत्रित करने आ गया। जीत तो स्वयं के मन पे पाकर ही है, कभी किसी और के मन को तो जीत ही ना पाएंगे। स्वयं के मन को जीता तो जग जीत लिया। सो इसलिए से संतुष्टि इन एवरी सिचुएशन, पूर्ण संतुष्ट, कोई कमी है ही नहीं। ठीक है, तो सब लोग साधना में लगे रहें, नेगेटिविटी आएगी हटाने, हमें हिलाने, पर हमें अपनी साधना से जुड़े रहना है। कल कितनी बढ़िया शेयरिंग की, कि अंदर रहती थी बात, तीन तीन चार चार दिन गलत बात, किसी की कही भी बात, ऊपर से तो जवाब नहीं देता था, क्योंकि गुरु ने ज्ञान दे दिया कि वाणी पे अंकुश, वाणी पे अंकुश, पर अंदर वाली जीवा का क्या करें भाई, वो तो और डबल चलने लग गई। पर जब उसकी भी ज्ञान से पिटाई करी तो वो भी मौन हो गई, शांत हो गई। सो काम इज द बेस्ट बाम, इसके ऊपर सब अप्लाई करें। कितनी बार मैंने ये बाम अप्लाई करी, उससे कितना आराम मिला, क्या क्या सुजागी आई, क्या कमाल की शेयरिंग हो रही है ग्रुप्स पे, मजा ही आ जाता है, आनंद ही आनंद। जिसे सुबह बस ग्रुप खोलो और आनंद की वर्षा। तो अब यही काम है, जैसे निर्जरा ने बताया कि अपने मन को साधना है, अंदर काउंटिंग करनी है, और आप लोग की काउंटिंग 1 2 3 करके नहीं होगी, सब्र 1, सब्र 2, सब्र 3, सब्र 4, सब्र 5, सब्र को बढ़ाते जाना है। और जैसे ही उसके बाद कर पाए तो मन में बस शुक्राने से नहा लेना है, बस इतना सा काम कर। तो जो ये वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो, ठीक हो गई, ये लेट गो करने से, तो ये वो खून जमा पड़ा था, वो जो बातें हम रोक लेते वो पैरों में जम गई, नाड़ियों में जम गई। अब लेट गो करना सीख गए तो वो नाड़ियों में भी खून अपने आप दौड़ चलना, तो फिर किसलिए स्टॉकिंग्स पहननी है। तो शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे अपने भावना शुद्ध नहीं है तो है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, मानुष जन्म को सफल बनाना हमें सिखाता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड ये बतलाता है। शुक्राना, शुक्राना।